नमस्कार। कक्षा 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 में एक टॉपिक आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। आज हम एक एक करके डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। बच्चों, कभी भी आपको कोई भी नंबर दिया हो, जितना मर्जी बड़ा, मान लीजिए ये हमें एक नंबर दिया है 76436। यदि आपको देखना है कि यह डिविजिबल है 2 से या नहीं है, यानी कि हमें यह देखना है कि यह 2 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है, तो बच्चों इतने बड़े नंबर से आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखना है। आप जानते हैं ना, ये यूनिट प्लेस 10, 100, 1000, 10,000 होता है, तो इसमें से सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखना है और आपने देखना है कि क्या ये 2 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस है 6, ये 2 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं एक और नंबर लिखता हूँ 8347। ठीक है बच्चों, अब आपने देखना है कि ये 2 के टेबल में आता है या नहीं, 2 से डिविजिबल है, तो क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस देखना है। बाकी सारी संख्या जो मर्जी हो, सिर्फ आपने यूनिट प्लेस देखना है, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है। देखो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, नहीं आता ना, तो इसका मतलब यह 2 से डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई और नंबर आप ले लीजिए, जो भी आपका मन करे वो नंबर आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर हमने लिया 2378547065। देखो, इतना बड़ा नंबर मैंने लिया, तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है बच्चों, हमने देखना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपने सिर्फ इसका यूनिट प्लेस उठाना है, बाकी नंबर को नहीं देखना, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है। 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात हो रही है सिर्फ, क्या ये 2 यूनिट प्लेस पर क्या है 5, क्या 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 2 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, और इसका एक गोल्डन रूल है, वो रूल ये है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे होंगे 0, 2, 4, 6 या 8। जब इनमें से कोई भी डिजिट उसके यूनिट प्लेस पे होगा, जैसे 6 है तो यह पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 8 होगा आखिर में, जैसे यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 7, 8, तो अब यूनिट प्लेस पर है 8, तो 8 है 2 के टेबल में आता है, इसलिए यह पूरा नंबर 2, 4, 6, 8, 7, 8 यह 2 से डिविजिबल होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है बच्चों 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर देखेंगे जो डिजिट है, क्या वो 2 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। यदि 2 के पहाड़े में आता है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यदि यूनिट प्लेस वाला डिजिट 2 के टेबल में नहीं आता तो वह 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और हमें यदि देखना हो तो हम इनको ध्यान में रख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।